क्रिकेट के सबसे बड़े महाकुंभ आईपीएल यानी इंडियन प्रीमियर लीग सीजन 17 आज से शुरू हो रहा है और आज आईपीएल टूर्नामेंट का पहला मैच आईपीएल की दो सबसे लोकप्रिय टीम चेन्नई सुपर किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच चेन्नई के चेपॉक स्टेडियम में खेला जाएगा। यानी विराट और धोनी के बीच तलवारें खिंच गई हैं और मुकाबला शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। लेकिन उससे पहले सीएसके ने अपना कप्तान बदल दिया है, हैरानी करने वाला फैसला लिया है। अब आपको महेंद्र सिंह धोनी आईपीएल में चेन्नई की कप्तानी करते नजर नहीं आएंगे। इस फैसले से सीएसके के फैंस नाराज जरूर हैं, लेकिन ऋतुराज गायकवाड़ को टीम का कप्तान बनाने से फैंस उत्साहित भी हैं और उनको लग रहा है कि गायकवाड़ के लिए धोनी के अंडर कप्तानी सीखने का ये शानदार मौका होगा। अगर रिकॉर्ड्स की बात करें तो अब तक आईपीएल में सीएसके और आरसीबी की टीम कुल 31 बार टकराई है। दोनों टीमों का आमना सामना कुल 31 बार हुआ है, जिसमें सीएसके का दबदबा देखने को मिला है। चेन्नई ने 31 में से 20 मैच और आरसीबी की टीम सिर्फ 10 मैच जीत पाई है। सीएसके ने 5 बार आईपीएल खिताब भी अपने नाम किया है, वहीं आरसीबी आज तक आईपीएल की ट्रॉफी एक बार भी नहीं उठा पाई है। हालांकि हाल ही में आरसीबी की महिला टीम पहली बार डब्ल्यूपीएल यानी महिला प्रीमियर लीग की चैंपियन बनी, इसलिए आरसीबी पुरुष टीम से इस बार उम्मीदें बढ़ गई हैं। चलिए अब एक बार नजर डालते हैं दोनों टीमों के स्क्वाड पर। पहले आरसीबी की बात करते हैं। आरसीबी की टीम में विराट कोहली, फॉफ डुप्लेसिस, रजत पाटीदार, ग्लेन मैक्सवेल, कैमरन ग्रीन, महिपाल लोमरोर, दिनेश कार्तिक, अल्जारी जोसेफ, कर्ण शर्मा, मोहम्मद सिराज, आकाशदीप, रीस ट्रोपली, टॉम करन, स्वप्निल सिंह, विजय कुमार विशक, लॉकी फर्गूसन, मयंक डागर, विल जैक्स, सुयश प्रभुदेसाई, अनुज रावत, मनोज पांडे, यश दयाल, सौरभ चौहान, राजन कुमार और हिमांशु शर्मा शामिल हैं। वहीं चेन्नई की टीम की बात करें तो चेन्नई भी एक मजबूत टीम है और टीम में एक से बढ़कर एक खिलाड़ी हैं। रचिन रविंद्र, ऋतुराज गायकवाड़, अजिंक्य रहाणे, समीर रिजवी, डेरिल मिचेल, शिवम दुबे, रविंद्र जडेजा, एमएस धोनी, शार्दुल ठाकुर, दीपक चहर, महेश तीक्ष्णा, मोहिन अली, डेवन कॉनवे, मुस्ताफिजुर रहमान, मिशेल सेंटनर, तुषार देशपांडे, अजय जाधव, प्रशांत सोलंकी, मुकेश चौधरी, सिमरजीत सिंह, आरएस रंगराखे, शाहिद रसिक, निशी संधु, अरवली अबनीस। लेकिन अब सवाल है कि आज के मैच के लिए दोनों टीमों की प्लेइंग 11 क्या होगी। पहले आपको आरसीबी के उन 11 खिलाड़ियों के नाम बताते हैं जो आज का मैच खेल सकते हैं। हालांकि ये प्रिडिक्टेड प्लेइंग 11 है। फॉफ डुप्लेसिस, विराट कोहली, रजत पाटीदार, ग्लेन मैक्सवेल, कैमरन ग्रीन, अनुज रावत, महिपाल रोमलोर में से कोई एक खिलाड़ी आज खेल सकता है, दिनेश कार्तिक, अल्जारी जोसेफ, मयंक डागर, आकाशदीप और मोहम्मद सिराज, ये 11 खिलाड़ी आज आपको मुकाबले में खेलते दिख सकते हैं। वहीं अगर चेन्नई टीम की प्लेइंग 11 की बात करें तो चेन्नई की टीम में ऋतुराज गायकवाड़ आज आपको कप्तानी करते नजर आएंगे, पहली बार सीएसके की टीम की कप्तानी उनको दी गई है। रचित रविंद्र, अजिंक्य रहाणे, मोइन अली, डेरिल मिचेल, रविंद्र जडेजा, एमएस धोनी विकेट कीपर, टीम के अब पूर्व कप्तान हो चुके हैं, सबसे ज्यादा निगाहें धोनी पर भी होगी आज के मैच में, शार्दुल ठाकुर, दीपक चहर, महेश तीक्ष्णा, मुकेश चौधरी और तुषार देशपांडे में से 11 खिलाड़ी आपको आज चेन्नई की टीम की ओर से खेलते नजर आएंगे। अब जिन 5 खिलाड़ियों पर आज के मैच में सबसे ज्यादा नजर होगी उसके बारे में बात करते हैं। पहले केजीएफ यानी कोहली, ग्लेन और फाफ, ये 3 ऐसे खिलाड़ी हैं जिन पर हमेशा फैंस की नजर रहती है। विराट कोहली, ग्लेन मैक्सवेल और फाफ डुप्लेसिस, पिछले सीजन भी तीनों खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया था। अब देखना होगा इस मैच में तीनों खिलाड़ी कैसा खेलते हैं। वहीं चेन्नई की टीम से 2 खिलाड़ी हमने पिक किए जिन पर आज सबसे ज्यादा नजर होगी, वो है एमएस धोनी और ऋतुराज गायकवाड़, यानी टीम के पूर्व कप्तान और टीम के नए कप्तान। अब ये देखना होगा कि आज के मैच में कौन सी टीम बाजी मारती है और जीत से शुरुआत करती है। विराट कोहली लंबे समय बाद मैदान पर वापसी कर रहे हैं, पिता बनने के बाद वो पहली बार क्रिकेट ग्राउंड पर नजर आएंगे, ऐसे में विराट कोहली से भी फैंस की उम्मीदें काफी होगी। तो अब देखना दिलचस्प होगा आईपीएल के पहले मैच में कौन सी टीम आज मुकाबला जीतती है। तो आप देखते रहिए श्रेष्ठ यूपी। उत्तर प्रदेश की हर खबर से अपडेट रहने के लिए श्रेष्ठ यूपी को करें सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ यूपी।